प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल का आगमन सोमवार को बिलासपुर में हुआ, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने बताया कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों के आत्महत्या की संख्या है। वहीं शासन द्वारा राज्य को सूखा घोषित करने और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान न्याय यात्रा को पूरे राज्य में किसानों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं अब बिलासपुर में समापन के बाद जांजगीर में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राजेंद्र तिवारी आत्मदाह मामले में बघेल ने सीधा राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। वहीं बघेल ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बन गया है, जिसको संरक्षण मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की कई योजना में उन्होंने फर्जीवाड़े की बात कही और अपनी कई बातों को पत्रकारों के सामने रखा। किसानों का आत्महत्या का जो दौर चला है, लगभग 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उसमें से आधे किसान हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले राजनांदगांव से। ये हम सब के लिए चिंतनी है, समाज के लिए भी और सरकार के लिए। आखिर क्या कारण है कि किसान इस सूखे से इतने परेशान हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने के बाद हो गए। अभी जिस प्रकार से सूखा भी घोषित किए हैं, धान भी खरीदी की व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन किसान औने पौने दाम में भुजिया या राइस मिलों को बेच रहे हैं।